एक जुलाई से पूरे हिंदुस्तान में एक देश एक कर यानी कि वस्तु और सेवा कर लागू हो जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। जीएसटी लागू करने के लिए सरकार ने जितने प्रयास किए उतने ही अनोखे अंदाज में इसे लॉन्च करने जा रही है। सरकार आजादी की तर्ज पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करेगी। आज से 70 साल पहले 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि जिस तरह से पीएम जवाहरलाल नेहरू ने संसद के केंद्रीय हॉल से स्वतंत्रता का ऐलान किया था, ठीक वही इतिहास 30 जून 2017 को दोहराया जाएगा, जब पीएम नरेंद्र मोदी मध्य रात्रि को देश और दुनिया को संदेश देंगे कि अब जीएसटी के जरिए पूरा भारत एक सूत्र में बन चुका है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात का ऐलान करते हुए बताया कि जीएसटी 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि से लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी का शुभारंभ कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, पीएम मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा मौजूद रहेंगे। सांसदों, मुख्यमंत्रियों और राज्यों के वित्त मंत्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की प्रक्रिया में कई सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है। अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से केंद्र और राज्यों का राजस्व बढ़ेगा, घोषित अर्थव्यवस्था का आकार भी विस्तृत होगा। थोड़े समय तक नई व्यवस्था को अपनाने में कुछ चुनौतियां आ सकती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी में मुनाफाखोरी रोधी प्रावधान डराने के लिए है और इसका तब तक इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है जब तक कि बहुत मजबूरी ना हो जाए। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि कृषि ऋण माफी का केंद्र का कोई इरादा नहीं है, हम अपने राजकोषीय लक्ष्यों पर कायम रहेंगे। आपको बता दें कि यूपीए सरकार ने 2006 में जीएसटी लाने की बात कही थी, लेकिन 2016 में जीएसटी बिल दोनों सदनों में पास हुआ था। वह अब केरल और जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में जीएसटी बिल पास हो चुका है। हालांकि केरल में भी अगले हफ्ते तक यह कानून बन जाएगा। तो बहुत ही अनोखे अंदाज में मिडनाइट सत्र से जीएसटी का आगाज किया जाएगा। राष्ट्रपति से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद इस सत्र में मौजूद रहेंगे, जहां एक देश एक कर को लॉन्च कर पूरे देश को टैक्स के एक सूत्र में बांध दिया जाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।